आज हम बनाएंगे लच्छा आलू नान विद गार्लिक चीज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ले लिया है, उसमें हमने ये 1 टीस्पून साल्ट डाल लिया है और ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा, मैदा हमारा मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ईस्ट लेके उसको नीम गर्म पानी में भगो दिया था और साथ ही 1 टीस्पून शुगर ऐड कर ली थी। यहाँ पे हमने नीम गरम दूध ले लिया। चलिए आप इसको गूंथते हैं डो को। पहले हम ये डालेंगे ईस्ट वाला मिक्सचर। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंथ लेंगे। दूध आपने देख लेना है कि कितना आपको चाहिए, उस हिसाब से फिर आपने दूध ले लेना है। इस डो को हम तकरीबन 5 मिनट तक गूंथते हैं। ये डो हमारी गूंथ गई है। अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रखेंगे और ऊपर हम ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से ऑयलिंग करके। फिर हम ऊपर ये लगा के इसको हम 3 घंटे के लिए रख देंगे। जब हमारी डो तकरीबन डबल हो जाएगी तो फिर हम अपने नान बनाएंगे। और अब ये लीजिए, अब हम इसको किसी गर्म जगह पे रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं 3 घंटों के बाद। तो चलिए अब बना लेते हैं हम नान की फिलिंग। नान की फिलिंग के लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज के आलू उबाल के तो चॉप कर लिए हैं। 1 प्याज चॉप कर लिए है। धनिया सबस मैंने काट लिया है। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मुझे ऑयल चाहिए और 3 ग्रीन चिली मैंने चॉप कर ली है। यहाँ पे कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ साबुत खुश्क धनिया ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। और यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक टू टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गार्लिक कोट लिए। चलिए आप शुरू करते हैं। पैन में हम डालेंगे ऑयल और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब हम अपनी चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज अगर आपको ज्यादा नहीं पसंद तो आप ये थोड़ी भी कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, धनिया और जीरा कुटा हुआ। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स,
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइस ज़्यादा कर लें। अपने आलू उनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इनको ज्यादा हमने मैश नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मैश किया तो बिल्कुल ही लाई सी बन जाती है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको हम रखते हैं अब ठंडा होने के लिए। तो अब हम नान की डो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने डो के लिए ये देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ हमने लहसुन ले लिया है, सेसमे सीड और कलवंजी ले ली है, चीज़ ले ली है हमने, तो ये हमने 1 egg yolk ले लिया, बीच में 2 tablespoon हमने दूध डाल दिए। यहाँ पे डो हमारी राइज हो चुकी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। डो के हम पहले पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हम ये देसी घी लगाएंगे। और ये जो लहसुन है उसको हल्का हल्का ऐसे करके लगा लेंगे। और साथ में चीज थोड़ी सी छिड़क लेंगे ऊपर। अब हम इसको रोल करेंगे हल्के हल्के हाथों से, ऐसे करके इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करके इसको हम इस तरह करके हम बाकी के दूसरे भी बना लेंगे। और इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। चलिए बाकी के भी हम बना लेते हैं। ये 5 मिनट के बाद हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह करके थोड़ी सी ऐसे फैला के इसको फिर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए फिर हम ये 5 मिनट के लिए रखते हैं कवर करके इसको, तो उसके बाद फिर हम फिलिंग करेंगे। चलिए अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। तो हम ऐसे करके थोड़ा सा बेल लेंगे हाथ से।
थोड़ा दरमियान से बेल के और आप इसमें हम फिलिंग रखेंगे अपनी। चलिए फिलिंग रख के अब हम ऐसे करके इस तरह करके इसको ऐसे करके बंद कर लेंगे और इसको फिर 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख लेंगे। चलिए बाकी के भी हम करके फिर आप मिलते हैं 5 मिनट बाद। चलिए 5 मिनट बाद हम इसको रेडी करते हैं। ये हमने ट्रे में बटर पेपर लगा लिया है और इसको हम हल्के हाथों से ऐसे करके प्रेस कर लेंगे। ये पहले से हमने एक कर लिया है, अब आपको इसका भी करके दिखाते हैं। इसको हमने ऐसे करके हाथों से ऐसे बेल लेना है। बेल के तो इस तरह हमने साइडों से इस तरह करके दबा लेने हैं हमको। दबा के ऐसे कर लेना है इसको और इसके साथ भी आप कर सकते हैं इस तरह। इस तरह करके हम इनको फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। चले 5 मिनट बाद हमने इसकी मदद से इसके इधर काटे ये निशान लगा लिए थे। आपने एक बार फिर इन पर लगा लेना अवन में रखने से पहले। इस तरह करके सारे निशान लगा लेने फिर दोबारा से। ये लग गए। ये मैंने यहाँ पे एक एग योग में थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको फेंट लिया है। अब इस ये ब्रशिंग कर देंगे हम इसके साथ। अब हम यहाँ पे ये मैंने सेसमी सीड ली है और ये कलवंजी ली है, इसको हम ऊपर इस तरह करके स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारे नान माशाल्लाह से रेडी हैं। अब हम ऊपर से बटर या घी के साथ इनको ग्रीस कर लेंगे। ये हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए नीचे अवन में इनको बेक किया है। जब अच्छी तरह ये पक गए हैं तो फिर हमने कलर देने के लिए ऊपर ग्रिल में इनको थोड़ा सा हीट दे ली है। चलिए ये माशाल्लाह से आलू वाले नान लच्छा गार्लिक विद चीज आलू वाले नान रेडी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।